तो इंडिया की फेमस ऑटो मेकर कंपनी टीवीएस, जिनकी फिलहाल इकलौती इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब मार्केट में अवेलेबल है। इस साल इन्होंने टीवीएस आईक्यूब का न्यू वर्जन भी लॉन्च किया था और अगले साल हमें हाइड्रोजन पावर टीवीएस आईक्यूब भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कंपनी साइलेंटली हाइड्रोजन पावर बेस्ड टीवीएस आईक्यूब स्कूटर पर काम कर रही है। हाल ही में इसका पेटेंट भी लिख हुआ है। देखने से नॉर्मल इंसान को इसका स्ट्रक्चर तो समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आप गौर करो, यहाँ पर टैंक जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर किया जाएगा, प्लस इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी भी होगी। इसकी जो बैटरी होगी उसे आप इलेक्ट्रिसिटी से तो चार्ज कर पाएंगे, प्लस रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण ब्रेक मारने पर भी इसकी बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती जाएगी। इस गाड़ी का जो लुक है, जो फीचर्स हैं, वो करंट में आने वाली टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसे ही होंगे, बस यहाँ पर जो पावर ट्रेन सिस्टम है ये थोड़ा अलग होने वाला है। अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल के बीच एक क्विक कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन व्हीकल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्हें चार्ज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, प्लस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं। क्या ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल का रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल का जो रनिंग कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। फिलहाल इंडिया में ना के बराबर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस हैं। हाँ, लेकिन इतना क्लियर है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, और जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज एंजाइटी होती है उनके लिए हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल एक बेटर ऑप्शन होंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन व्हीकल को रिफ्यूल कराने में बस उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें आज के डेट में पेट्रोल भराने में लगता है। खैर, आप टीवीएस की इस अपकमिंग हाइड्रोजन पावर्ड स्कूटर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।